गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों, तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के अटल टनल सहित चोटियों पर गिरे बर्फ के फाहे। मनाली व लाहौल स्पीति की चोटियों पर पिछले कल तीसरे दिन भी बर्फ़ के फाहे गिरे, वहीं निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना होने के साथ ही अप्रैल में भी पर्यटक ठंडे मौसम का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। उधर पिछले कल रोहतांग सहित शिंकुला, कुंजुम, बारालाचा सहित अन्य दरों में बर्फबारी हुई है। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ व साउथ पोर्टल सहित विभिन्न स्नो पॉइंट कोक्सर व सिसु में पर्यटकों का तांता लगा रहा। हालांकि रोहतांग दर्रा अभी पर्यटकों के लिए बहाल नहीं हुआ है, लेकिन इस ओर पर्यटक गुलाबा तक भेजे जा रहे हैं। गुलाबा में बर्फ के दीदार के साथ पर्यटक साहसिक खेलों का भी आनंद ले रहे हैं। सोलंग नाला, अंजनी, महादेव व मनाली के विभिन्न पर्यटन स्थलों में भी पर्यटकों से रौनक छा गई है। राष्ट्रपति का हिमाचल दौरा स्थगित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शिमला दौरे को लेकर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति सचिवालय में आयोजित बैठक में अब संभावित कार्यक्रम 6 से 10 मई तक के लिए प्रस्तावित हुआ है। दौरे को लेकर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले 30 अप्रैल से 5 मई तक के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का प्रस्तावित कार्यक्रम आया था। अब ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रपति मई माह के पहले सप्ताह के अंत में प्रदेश आ सकती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय लिया जाना शेष है। राष्ट्रपति मुर्मू के दौरे को लेकर छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति निवास में उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है। इसी तरह से पिछले कल राष्ट्रपति सचिवालय में दूसरी बैठक आयोजित हुई। प्रत्याशी कंगना रनौत ने दलाई लामा से की मुलाकात, बोली, इस अनुभव को जीवन भर संजो कर रखूंगी। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने पिछले कल धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की। दलाई लामा से मिलने के बाद कंगना रनौत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह दिव्य था, यह एक ऐसा अनुभव था जिसे मैं जीवन भर संजो कर रखूंगी। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति जिसके चारों ओर सरासर दिव्यंगता है, इसलिए यह मेरे और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के लिए बहुत भावनात्मक था। यह कुछ ऐसा है जिसे मैं जीवन भर संजो कर रखूंगी। आचार संहिता में 2.25 करोड़ का नशा पकड़ा। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ने विभिन्न जगहों पर नाकाबंदी के दौरान अब तक 1,81,29,517 रुपये के नशीले पदार्थों की खेप पकड़ी है। इसके अलावा पुलिस ने प्रदेश भर में 1,12,29,033 रुपये की कीमत की अवैध शराब पकड़ी है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के अंतर्राज्यीय सीमाओं सहित पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में आने जाने वाहनों की तलाशी के बाद ही वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान के लिए भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप एवं प्रदेश की सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग द्वारा सभी सुरक्षा प्रबंधों को पूरा किया जा रहा है, ताकि प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। अब QR कोड बताएगा डिग्री फर्जी या नहीं। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग फर्जी डिग्री की पहचान करने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार कर रहा है। इसमें QR कोड स्कैनिंग जैसी व्यवस्था तैयार की जाएगी, ताकि आसानी से फर्जी डिग्री और मार्कशीट्स न बनाई जा सकें। सभी निजी विश्वविद्यालयों को साल में नियामक आयोग को छात्रों के दाखिले का रिकॉर्ड सौंपना होगा। हर साल यह रिकॉर्ड भी देना होगा कि कितने छात्र पास आउट हो गए हैं, जो छात्र पास आउट हुए हैं उन्हें कब दाखिला लिया था। इसका रिकॉर्ड विश्वविद्यालय के अलावा आयोग और शिक्षा विभाग के पास भी रहेगा। वेरिफिकेशन के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। हिमाचल में चल रहे निजी विश्वविद्यालयों में फर्जी डिग्रियों के मामले सामने आने के बाद आयोग ने यह फैसला लिया है। बीते साल फर्जी मार्कशीट्स और वेबसाइट का मामला सामने आया था, जिसके बाद से फैसला लिया गया था। इसके साथ ही शिक्षकों की योग्यता, नए कोर्स, मनमानी फीस, बढ़ोतरी की भी कई शिकायतें इससे पहले आयोग को मिलती रहती हैं। ऐसे में अब नए सत्र के लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं।
भवानी बोले अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं पर नहीं भाजपा को विश्वास। हिमाचल में भाजपा द्वारा दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है कि सरकार गिरने वाली है। भाजपा पहले गणित को समझे फिर लोगों को बताए, झूठ बोलकर सरकारें नहीं बनती। यह बात राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष व पीसीसी के महासचिव भवानी सिंह पठानिया ने पिछले कल धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि भाजपा को अपने विधायकों व कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं रहा है। भवानी ने कहा कि सत्ता के लालच के लिए भाजपा अपनी विचारधारा से अलग हो गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा जारी चुनावी घोषणा पत्र जनता की समझ से परे है। घोषणा पत्र में जनता के मुद्दों, बेरोजगारी, किसानों, श्रमिकों व महिलाओं के बारे में कुछ नहीं कहा है। मुख्यमंत्री बोले हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने में करें सहयोग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश सरकार सहित सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने यह बात पिछले कल हिमाचल दिवस के राज्य स्तरीय समारोह के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जिन नीतियों पर काम शुरू किया है उससे तय है कि 2025 तक हिमाचल प्रदेश देश का सबसे अमीर राज्य होगा। उन्होंने कहा कि सभी को इसके लिए मिलजुल कर प्रयास करने की आवश्यकता है। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश की युवा पीढ़ी हिमाचल को विकसित राज्य बनाने में योगदान देगी। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने सभी नागरिकों से आगामी चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। आज येलो अलर्ट, कल साफ, 18 से फिर 4 दिन रहेगा येलो अलर्ट। प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के साथ उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और राजधानी शिमला सहित कई इलाकों में वर्षा हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज को अलग अलग स्थानों पर आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने व वर्षा का येलो अलर्ट रहेगा, जबकि कल समूचे प्रदेश में मौसम के साफ व शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। 18 अप्रैल से एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से इस दिन से लेकर 22 अप्रैल तक राज्य में फिर से मौसम खराब रहेगा। ताज़ा बर्फबारी व बारिश के बाद लाहौल स्पीति में मुश्किलें अभी बरकरार हैं। प्रदेश में बंद चल रहे 3 NH और 114 सड़कों में से अकेले लाहौल स्पीति में 2 NH और 109 सड़कें बंद हैं, जबकि 114 बिजली के बंद चल रहे ट्रांसफार्मरों में से स्पीति डिवीज़न में 102 और लाहौल डिवीज़न में 10 ट्रांसफार्मर ठप चले हुए हैं। कुल्लू ज़िले में 1 NH व 3 सड़कें बंद हैं, जबकि कांगड़ा व चंबा में 1-1 सड़क बंद चल रही है। यात्रा दैनिक भत्ता न मिलने पर मांगा राजपत्रित। हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ के राज्य प्रधान नरेश महाजन व जिला प्रधान मंडी अश्विनी गुलेरिया ने स्थल मूल्यांकन केंद्र में जाकर अध्यापकों को आ रही समस्याओं के बारे में अध्यापकों से जानकारी प्राप्त की और साथ में सचिव हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मेजर विशाल शर्मा से दूरभाष के माध्यम से वार्ता की। इसके साथ ही स्थल मूल्यांकन पर आए हुए अध्यापकों के लिए राजपत्रित अवकाश के दौरान सेवाएं देने के एवज में प्रतिपूरक अवकाश देने की मांग की। साथ में यह भी बताया कि स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा स्थल मूल्यांकन केंद्र पर 10वीं व प्लस 2 के पेपर मूल्यांकन का कार्य 4 जून से प्रदेश के 51 स्थल मूल्यांकन केंद्रों पर चला हुआ है, जिसमें सभी विषय के अध्यापक अपनी सेवाएं बहुत ही ईमानदारी से कर रहे हैं। तो ये हैं सुबह की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।